हरिद्वार से जो रोड वाली वीडियो थी वो शूट नहीं हो पाई है क्योंकि कैमरे में बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो हम सीधा नीलकंठ की वीडियो शूट कर रहे थे। तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, हरिद्वार तक का मैंने शूट करा था। हरिद्वार से 60 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है सीधा नीलकंठ का, सीधा। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़। पूरी दिल्ली, पूरी हरियाणा, सब राज्यों से लोग आए हैं। मुझे लग रहा है आरती का समय। और सुबह के बजे हैं 5:15 और 5:15 बजे की ये भीड़ है महाशिवरात्रि वाले दिन नीलकंठ महादेव पे। धीरे धीरे लाइन चल रही है और भीड़ बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा तादाद में भक्त आए हुए हैं और बहुत भीड़ बढ़ी हुई है यहाँ पे। जितनी आगे है उतनी भीड़ पीछे भी है। यहाँ पे जगह जगह आपको प्रसाद की दुकान मिल जाएगी, कहीं से भी आप प्रसाद खरीद सकते हो पूरे रास्ते में। कुछ लोग अपना प्रसाद भाई दीवारों पे रख जाते हैं। यहाँ की दीवारों पे बहुत कुछ रखा हुआ मिलेगा जो चढ़ा नहीं पाते, तो उन भाइयों से निवेदन ये है भाई अगर नहीं चढ़ा पाते तो यहाँ मत रख के जाया करो दीवारों वगैरह पे। तो वहां से लाइन मुड़ रही है, काफी हद तक पास आ गए हैं मंदिर के। अच्छा 6 बज गए होंगे, बजने वाले अभी 9 बजे होने से होंगे।
दरबार में भाई नीलकंठ महादेव के। सही है, तो दर्शन हुए बढ़िया वाले। ये हमारा नीलकंठ महादेव मंदिर और भीड़ बहुत है भाई, पूरी तादाद बहुत जबरदस्त वाली भीड़ है, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। नीलकंठ वाला मंदिर वो है और ये एक छोटा मंदिर इसके बराबर बना हुआ है, ये है त्रिशूल। अगर आप लोगों का भाई वहाँ नहीं चढ़ती है पूजा पाठ की सामग्री, अगर यहाँ नहीं चढ़ता है जल या पूजा पाठ की सामग्री नहीं चढ़ती, तो आप लोग इस वाले मंदिर में चढ़ा सकते हो। कहाँ गए चाचू? और हमें तो हो गए दर्शन बढ़िया वाले, कहाँ जा लिए? पूरे मंदिर में जहाँ देखोगे चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है, भीड़ ही भीड़। ये दुकानें हैं यहाँ पे, ये कावड़िया भी आए हुए हैं। हम आ गए हैं मंदिर से बाहर, तो जो मेन मंदिर था वहाँ से तो बाहर आ गए हैं। आओ हम इधर से चलते हैं, इधर से आए थे। काफ़ी तादाद में लोग हैं यहाँ पे और बहुत भीड़ है इस बार भी। ये यहाँ नहाने वालों की मंडली, इन्हें भी नहीं पता नहीं कि वीडियो बना के ले जाऊँ मैं है और डाल दो। चढ़ाने वाला प्रसाद यहाँ मिलेगा। अब चल दिए बाहर भाई, ये बाहर वाला रास्ता है यहाँ से निकलते हुए।